प्रदेश के जनपद बलिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सतनिया सराय के रहने वाले के पांडे पूर्व चीफ इंजीनियर की पुत्री प्राची पांडे ने बलिया का नाम रोशन किया। प्राची पांडे ने पढ़ लिखकर एक बड़े पद पर अमेरिका में जॉब कर रही। मेरा नाम प्राची पांडे है, मेरे पिताजी यहाँ से बलिया से बिलोंग करते हैं, मैं लखनऊ से रही हूँ, ज़्यादा पढ़ाई लखनऊ से की है। उसके बाद शादी के बाद मैं विदेश चली गई, वहाँ न्यूयॉर्क में मैं सेटल हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं लाइन ऑफ कंप्यूटर्स डेवलपमेंट में ही काम करती हूँ गवर्नमेंट में न्यूयॉर्क में। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन में कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर हूँ। इतनी पोस्ट पर गई, इतनी सफलता हासिल हुई, किसको श्रेय देंगी आप? श्रेय किसको जाएगा आपका? मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा, सबके आशीर्वाद से सब आगे बढ़े, अच्छा किए, वो लोग का प्रोत्साहन बहुत रहा। आगे क्या करने के लिए नीति है, क्या सपना है आगे? इसी लाइन में आगे बढ़ना है, सबके आशीर्वाद से आगे करते रहना है। इसी वजह से हम लोग आए यहाँ पे बलिया, अपने कुलदेवी का आशीर्वाद ले रहे हैं सब कुछ। बहुत सारे आज की वर्तमान समय में बहुत सारे लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं और डरती हैं असफलता के कारण, तो उन लोग क्या संदेश देंगे जो अभी पढ़ने नहीं जाती हैं बच्चियां? नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, इंसान के साथ हमेशा उसकी नॉलेज और उसकी पढ़ाई साथ देती है। असफलता तो किसी मोड़ पे किसी को भी मिलती है, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पढ़ाई अगर साथ में है तो उससे बहुत मनोबल बढ़ता है। और मैं सबसे कहूँगी इंसान को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप देखी होंगी अगर किसी काम में कोई असफल हो जाता है तो गलत काम कर बैठे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, वो तो मतलब इन चीज़ों में है कि जो लोगों के जो बच्चे असफलता से डरते हैं उनको काउंसलिंग करना ज़रूरी है, वो लोग को एक मनोबल बढ़ाने के लिए लोग उनके आसपास जो लोग हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत वो प्रोत्साहन दिया, इनकरेज किए हर चीज़ के लिए, तो वो इंसान ओवरकम कर जाता है डिफ़िकल्टीज से। तो मुझे लगता है कि आसपास के लोगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो देना मतलब वही है कि आपको इनकरेज करते रहना चाहिए। तो समाज को क्या संदेश देंगे अपनी कामयाबी को लेकर? अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो ये साल स्टार्ट है मेरे लिए, बट वही है कि लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें और खुश रहें। जी, आपके बच्चे पढ़ लिख कर इस मुकाम तक गई हैं, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को समाज के देखते हुए नहीं करते हैं, कहेंगे आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चियों को गर्भ में ही मारने की कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे किसी नाले में फेंक दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना माँ बाप का पहला कर्तव्य है, बच्चे का पहला जो गुरु होता है वो माँ है, बाप है, पिता, ये उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे गुण सिखाएं। बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटियाँ बहुत ही सफल हैं।